तो गाइस ये है सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 4। और आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ टाउन हॉल अपने विलेजर्स के लिए। तो फिर आपको जो मैंने पहली पिछली वीडियो में आपको दिखाया था एक विलेज, वो उसी विलेज में मैं बनाने वाला हूँ एक टाउन हॉल। और मैं ऑफलाइन उसमें वर्क स्टेशन और बेड्स भी लगा दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ, उसके बाद चलते आगे का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीछे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको डॉग मिसिंग लग रहा होगा। तो बोलते मैंने एक शॉट मार दी थी तो वो बेचारा मर गया। तो फिर वो बहुत बुरा लगा मेरे को उसके लिए, तो क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले एक सामान इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने तो पहले से इकट्ठा कर रखे मेरी इन्वेंट्री में, तो फिर मेरे को कोई जरूरत ही है, मेरे को अगर कुछ सामान की कमी पड़ेगी तो घर पे जाके वो क्राफ्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैंने क्राफ्ट हाई मेरे में लॉग ओक लॉग भी इतने सारे हैं और प्लांट्स भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं विलेज के उस पार जाता हूँ, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस जगह पे चले जाता हूँ जहाँ पे टाउन हॉल बनाना है। उससे पहले मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि बहुत बोरिंग लगेगा अगर आप। तो मैं गाइस मैं आ गया विलेज में, तो उससे पहले मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो यहाँ से मैं ओक प्लैंक अपने हाथ में ले लेता हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये जो है ना यहीं से स्टार्ट करने लग जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पे मेरे पास डर्ट नहीं है तो इसलिए मैं प्लैंक लगा देता हूँ। और गाइस मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि इसमें मेरे को बेड वर्क स्टेशन बनाने के लिए बहुत सारी वुड भी काटनी पड़ेगी, और वर्क स्टेशन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, इसलिए टाइम नहीं है मेरे पास। इसलिए मैं वो मैं आज में ऑफलाइन रिप्लेस कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी घर बना देता हूँ। तो यहाँ पे एक प्लैंक रख के यहाँ जहाँ पे जल्दी जल्दी बना देता हूँ। और गाइस अगर कुछ यहाँ का सामने का डोर ज़्यादा लेफ्ट या राइट हो जाएगा तो फिर मैं इसे वुड को आयरन एक्स से तोड़ दूंगा, उसका सही कर दूंगा। तो ये दो ब्लॉक सही रहेंगे। और यहाँ से आगे करते हैं स्टार्ट काम। और यहाँ तक कैसे रहेगा, यहाँ तक सही रहेगा, ये घर इतना चौड़ा सही लगेगा टाउन हॉल। तो यहाँ से आगे करता हूँ काम स्टार्ट। और ये जो एक ब्लॉक छूट गया तो मैं इसे भी फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से भी मैं काम स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे भी काम स्टार्ट कर देता हूँ। और ये गाइस एक ब्लॉक छूट जाता है हमेशा, तो इसमें फिल करना ही पड़ता है मेरे को। और ये मेरा प्लैंक भी ख़त्म होने ही वाला है, लगभग ख़त्म हो गया। और ये एक भी मैं लगा ही देता हूँ। उसके बाद मेरे को और एक स्टैक निकालना पड़ेगा ओक प्लैंक, उसके बाद मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो मैं लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने लगा दिया। और गाइस आयरन एक्स अब मेरे को ध्यान बाहर से देखना पड़ेगा डोर सही लगाई कि नहीं। मैंने घर लगा दिया। ये यहाँ पे जो ये है इसको ब्लॉक को तोड़ के, और इस ब्लॉक को तोड़ के, और इस ब्लॉक को तोड़ के। तो गाइस अब इस ब्लॉक को मैंने तोड़ दिया, अब यहाँ पे मेरे को ये दो ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। अब ये सही लग रहा है तो चलो ठीक है, ये अब मैंने डोर करेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं इस ब्लॉक को दो ब्लॉक ऊपर कर देता हूँ, ये चार ब्लॉक ऊपर कर देता हूँ, गलती से चार दो कह दिया, इसे मैं चार ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से मैं इसे भी फेल कर देता हूँ, और इतना प्लैंक है कि आराम से फेल हो जाएगा। तब तक के लिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। और यहाँ पे स्टॉप हो ही नहीं, चलो हो गया। अब तो मैंने आगे का सामने का डिज़ाइन कुछ ऐसा ए टाइप बना दिया है अपने चैनल का, फर्स्ट नाम लिख के दरवाजे का ऐसा लगेगा महल टाइप, उस टाइप के एंट्रेंस बना दिया है। और अंदर से भी कुछ ऐसे एंट्रेंस बनाऊँगा जो मेरे दिमाग में है, वही एंट्रेंस बनाने वाला हूँ मैं अंदर से भी। सॉरी जब हम अंदर जाएंगे और अंदर से बाहर जब आएंगे तो फिर बाहर का वो शाही टाइप लगेगा, तो फिर उसको भी लगा देंगे। और यहाँ पे मैं एक ये लगा देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं शेप्ड ओक लॉग लगाने वाला हूँ, शेप्ड ओक लॉग लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भी शेप्ड ओक लॉग लगा देता हूँ। अब चलता हूँ ऊपर का काम में। यहाँ पे सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल पर जाता हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी स्टेयर्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी काम करता हूँ और देखता हूँ उसके बाद क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्टेयर लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी एक और ये स्टेयर्स को इसमें टेम्परेरी लगा रहा हूँ। और यहाँ पे ये ऐसे लगा दिया, और इसे मैं हटा देता हूँ। और गाइस अब जो अगले एपिसोड आएगी वो आएगी अब वो आ सकती है टाउन
आयरन वो अनलिमिटेड एक्सपी फार्म के ऊपर आ सकती है वीडियो, तो देखता हूँ मैं कि अगर वो बनेगा एक्सपी फार्म तो देखते हैं, या फिर अगर हम माइनिंग करेंगे अगले एपिसोड में उसके बाद देखते हैं हमें डायमंड्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और अगला एपिसोड देखना मत भूलना, बहुत तगड़ा एपिसोड हो जाएगा वो भी, देखना मत, देखेंगे गाइस। यहाँ पे मैं ये हो गया और ये फील नहीं हुआ है, तो इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, इस स्टेयर्स को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और ये जो कुछ ऐसा टाइप हो जाएगा मुझे, और स्टेयर्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी स्टेयर्स ये ओ प्लान की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। तो गाइस उसके लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ वीडियो को, और गाइस मैंने कुछ ऐसा कर दिया डेकोरेशन के लिए, क्योंकि डेकोरेशन में अगर आपको दिखाता आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने बस ऐसे ही करा। और यहाँ से मैं डोर भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, डोर मिल नहीं रहा है, कहाँ गया डोर, कहाँ गया डोर। अच्छा वो तो कंस्ट्रक्शन वाले उस पर होता है, तो यहाँ पर होगा वो, तो ये रहा तीन डोर मैंने क्राफ्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे बीच दो ये जो ए ब्लॉक है ना यहाँ पे लगाता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अब ऐसा कुछ अंदर का टाइप का कुछ है, और ये देखिए गाइस जो है ये एकदम महल टाइप बना दिया, जैसे वो तरह जमीन से जुड़ा हुआ है हिस्सा, वैसा मैंने कुछ खंबा टाइप बना दिया है, तो फिर एकदम अच्छा तगड़ा लुक, तगड़ी लुक आ रही है। तो फिर गाइस इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दूंगा, और जैसे और मैं ऑफलाइन भी इसमें बेड्स और वर्कस्टेशन लगा दूंगा, और सारे विलेजर को यहीं पे शिफ्ट कर दूंगा ताकि ताकि सब लोग से मैं ट्रेडिंग कर सकूं, और ताकि मैं थोड़े से अच्छे अच्छी ट्रेडिंग से एमराल्ड ले सकूं, और एमराल्ड की और ट्रेडिंग करके बहुत सारी चीज़ ले सकूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बेड लगा सो जाता हूँ, और सो गया मैं बेड से, उसके बाद यहाँ से मैं आ गया। यहाँ घर पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आके बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेक केयर, गुड बाय।